नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार कुशवाहा। आखिर किस तरह पूरे बिहार में बाढ़ आया है और इसी बाढ़ में लोगों का मदद किया जा रहा है, लोग एक दूसरे का मदद कर रहे हैं और आज राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा था, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था किया जा रहा था, एक हेलीकॉप्टर से उनके लिए राशन दिया जा रहा था कि कुछ तो हो सके, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। अचानक वो हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर बाढ़ के पानी में गिर गया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गया। दूर दूर से लोग, गांव के लोग उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, उसमें जो सवार थे, जो यात्री, जो व्यक्ति थे, जो भी उसमें लोग थे, उनको निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए गांव के लोग आगे आए और उसमें से कुछ लोगों को बचा भी लिए और कुछ लोग अभी भी उसमें फंसे। लेकिन गांव के लोग पूरा तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हम इन लोगों को बचा ले। ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। हेलीकॉप्टर गिरने के बाद स्थानीय लोग गए, गांव के लोग गए और उसमें जो भी सवार थे उनको किसी भी तरह से बचाने में पूरा जुट गए हैं। हर साल बिहार में बाढ़ आता है और हर साल कोई ना कोई मदद किया जाता है और हर साल ना जाने कितने लोग डेड कर जाते हैं, लेकिन तब भी सरकार नहीं जागी। सरकार अभी भी बाढ़ पर कंट्रोल नहीं कर रही है। आखिर कब तक ऐसा होगा कि आम आदमी तो मर रहे हैं और एक सेना का जवान भी मर रहा है हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद? आखिर ये कब तक होगा? क्या बिहार में बाढ़ कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? ये सवाल तो बनता है। बाकी जहां भी लोग हैं बाढ़ में, जहां भी लोग फंसे, आप मजबूती के साथ रहिए। आप मजबूत रहिएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी पूरा देश, पूरा बिहार आपके साथ है। बाकी आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताएं। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।